हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आप सभी मम्मीज का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल में। हर महिला के मासिक चक्र में 5 दिन बहुत खास होते हैं जब वो 100% कंसीव कर सकती है। लेकिन वो 5 दिन कब आते हैं आपके साइकिल में, कैसे पता लगेगा आपको? मैंने इसके लिए कई सिम्टम्स बताए हैं, जैसे लिबिडो का बढ़ना, सर्वाइकल म्यूकस में चेंज, इसके अलावा आपके बिहेवियर में कुछ चेंज, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, मूड अच्छा रहना, चेहरे पे ग्लो होना, ये सब हॉर्मोन्स को बताते हैं। लेकिन 100% तो सही नहीं होते कई बार ये सिम्टम्स। तो ऐसे में 100% अगर आप जानें कि यस ये 5 डेज मेरे फर्टाइल डेज हैं, देन आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो 100% कन्फर्म करने के लिए कि आपके फर्टाइल डेज कब हैं, ओवान्यूज ओवुलेशन डिटेक्शन किट एक ऐसे हाउस से आता है जो कि इंडिया का नंबर 1 प्रेगनेंसी डिटेक्शन कार्ड है। इसमें इतना सुंदर तरीका है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके फर्टाइल डेज कब आने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ओवान्यूज से हमको अपने फर्टाइल डेज 5 खास दिन कैसे टेस्ट करके निकालने हैं और ओवान्यूज कैसे आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। ये बहुत ही हेल्पफुल किट है, तो इसको खरीदना आप सभी चाहती होंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे आप इसको अभी तुरंत जाकर खरीद सकती है। जांच करना बिल्कुल आसान है। आप कई बार ऐसा होता है कि आप टेस्ट और जांचें करवाते हैं तो आप अरवर लैब तो नहीं जा सकते, घर बैठे ओवान्यूज ओवुलेशन किट की हेल्प से आप अपना फर्टाइल डे पता लगाकर और अपनी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कर सकती हैं। ये है ओवान्यूज ओवुलेशन टेस्टिंग किट। जब आप इसको खरीदते हो तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो हम देखते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए कंटेनर, इसके अलावा आपको टेस्ट किट्स मिलती हैं साथ में, जिसको एक को एक बार में यूज करना है। तो आज हम एक टेस्ट किट को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जांच करने से पहले हम ये जान लें कि इसको महीने के किन दिनों में यूज करना है हमको। तो फ्रेंड्स, आपके मासिक चक्र की लेंथ देखिए। अगर आपका मासिक चक्र 28 दिन का है तो आपको 11वें दिन से इसको यूज करना, स्ट्रिप में टेस्ट करना शुरू कर देना। देखिए कि अगर आपको 30 दिन पे पीरियड्स आते हैं तो 14वें दिन से आपको इसको इस्तेमाल करना है, जिससे पता लगने लगे कि आपका ओवुलेशन कब आने वाला है। ओवुलेशन जनरली आपकी साइकिल के बीचों बीच का दिन होता है, जैसे कि 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन, 30 दिन की साइकिल है तो 15वें दिन के आसपास होता है, लेकिन उसके कुछ दिन पहले से। 28 दिन की साइकिल है तो 11वें दिन से हम टेस्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ सावधानियां रखेंगे टेस्ट करने से पहले, वो मैं आपको पहले बताऊंगी ताकि आप सचेत रहें और आपका टेस्ट गलत ना हो और आपको समस्या ना आए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उठते ही सुबह सुबह टेस्ट नहीं करना है, सुबह का पहला यूरिन आपको नहीं लेना है। इसका खास आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट यूरिन से आप टेस्ट ना करें। और दूसरी सावधानी जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि टेस्ट के रिजल्ट एक्यूरेट आए, 100% आए, कि जब भी आप टेस्ट करने जाएं तो उससे 2 घंटा पहले आपको पानी नहीं पीना है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो 2 सावधानियां आपको रखनी है, दिन में कभी भी करें बस 2 घंटा पहले पानी पीना रोक दें आप। बहुत अच्छा रहेगा कि आप सुबह 10 बजे से लगाकर शाम 8 बजे तक का यूरिन इस टेस्ट के लिए कलेक्ट करें। तो इस सैंपल को हम ओपन कर लेते हैं और इसमें जो टेस्ट किट दी हुई है उसमें से एक टेस्ट किट को हमने लिया है। यहाँ से आप हाथ से ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक आपको स्ट्रिप मिलती है और एक ड्रॉपर जिससे कि टेस्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पे टी पॉइंट है। सी पॉइंट और टी पॉइंट को ऑब्जर्व करना है और तो इस एस लिखे हुए सर्किल में हम सैंपल ड्रॉप करेंगे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे टी लाइन और सी लाइन को। यहाँ जिस पेशेंट का हमने सैंपल लिया है, जो रैंडम सैंपल हमने कलेक्ट किया है, उसमें हमें सी लाइन पर सिंगल लाइन दिखाई पड़ रही है। सी लाइन पे एक लाइन आने का अर्थ है कि अभी आपके फर्टाइल डे शुरू नहीं हुए हैं, आपको 1-2 दिन बाद से वापस टेस्ट करना शुरू करना चाहिए अपने मिड साइकिल में, मासिक चक्र के बीच के दिनों में। इसके अलावा अगर टी लाइन पर हल्की लाइन आती है और सी लाइन पर डार्क लाइन आती है, इसका मतलब है कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है आपके फर्टाइल डे शुरू होने में। अगर सी लाइन और टी लाइन दोनों पर पिंक लाइन आती है तो आपका फर्टाइल डे शुरू हो चुका है। अगर कोई भी लाइन नहीं आती तो टेस्ट इनवैलिड है, टेस्ट गलत है, आपको वापस टेस्ट करना चाहिए। तो ओवान्यूज ओवुलेशन डिटेक्शन किट आपकी बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, जो कि घर पे आपके लिए लैबोरेटरी ले आती है और बहुत सिंपल तरीके से आप जान जाते हैं कि वो 5 खास दिन कौन से हैं जब आपको ट्राई करना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। तो आप
अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। इससे जो जटिलता है कि समझ नहीं आ रहा कि कब ओवुलेशन होता है बॉडी में, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, आपको अपनी साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगी और प्रेगनेंसी कंसीव करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप तक आपने किट यूज़ की थी? नहीं की है तो जल्दी से करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।